हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल इंटीरियर मास्टर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10x10 की जो वॉल होती है, 10x10 की वॉल पे पीवीसी वॉल पैनल लगाने का क्या खर्चा आएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में ये सब कुछ बताऊंगा। बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियो आप तक पहुँच जाए, पूरी जानकारी आपको इंटीरियर की मिलती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते, ये देखो दोस्तों, जैसे ये 10x10, ये देखो 10x10 की जो हमने ली है एक वॉल, ये आपको वॉल का पूरा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है 10x10, जिसका स्क्वेयर फुट एरिया जो निकल जाता है वो निकल जाता है 100 स्क्वेयर फुट। यानी 100 स्क्वेयर फुट एरिया में हमें अगर पीवीसी वॉल पैनल लगाने हैं तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी, मार्केट में क्या रेट चल रहा है और आपको कितना खर्चा होगा। तो पहले दोस्तों मैं आपको कुछ पीवीसी के सैंपल दिखाता हूँ। जैसे आप ये एक सैंपल देख रहे हो, ये वृक्ष टाइप में सैंपल बना हुआ है। इसकी आप देख रहे हो जो इसकी मोटाई है, ये मोटाई जो होती है ये होती है जो आज की डेट में मार्केट में जो पैनल चल रहा है वो चलती है 5 mm का। और इसमें आप देख रहे हो ये इसमें ग्रूव बने हुए हैं, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है पैनल की लंबाई होती है 10 फुट, चौड़ाई जो होती है वो होती है 10 इंच, ठीक है। इसी तरह से इसमें कई तरह के कलर्स आते हैं, जैसे आप देख रहे हो ये फ्लावर कलर में, ये भी फ्लावर कलर में, ये कुछ टेक्चर लुक में मिल जाता है। तो इसमें सर 2-3 तरह के जो पैनल हैं आ रहे हैं। ये थोड़ा जो पैनल है नॉर्मल जो पैनल चल रहा है इसको 5 mm में, एक आज आया है हमारे मार्केट में न्यू पैनल आया है सुपर हैवी पैनल का भी सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुपर हैवी पैनल ये थोड़ा हैवी होता है वेट में भी, और इसकी जो ये दी है थिकनेस दी है, थिकनेस में राउंड दे दिया है, राउंड से ये थिकनेस बहुत अच्छा है। अगर हम तो इसको दबाएंगे अच्छी तरह से, पूरा जोर लगा के भी या कुछ चीज़ बच जाती है तो ये पैनल क्रैक नहीं होता। इसकी जो मार्केट में कॉस्ट आई है 350-400 रुपये पैनल कॉस्ट है। तो इस हिसाब से मैंने आपको पैनल दिखाया है और मैं आपको बताऊंगा इन दोनों पैनलों को लगाने में क्या हमारी कॉस्ट आएगी एक 10x10 की वॉल पे लगाने की। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो 10x10 की वॉल का साइज भी दिया है। जो हमने जो पैनल होता है सर वो होता है 10 इंच चौड़ाई और 10 फुट उसकी हाइट होती है, 120 की हाइट होती है। तो इस तरह अगर हम 10 फुट की वॉल पे पैनल लगाते हैं 10, तो ये स्क्वेयर फुट निकलता है 100 स्क्वेयर फुट। पैनल जो अगर हम लगाते हैं हमारी 120 इंच, 120 में हमारे लगेंगे 12 पैनल, ठीक है। और एक पैनल हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे कोई पैनल क्रैक, या कई बार ऐसा धीरे 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 ग्रुप फंसाते फंसाते लास्ट में पैनल की 1 इंच की पैचर आ जाती है, तो हमें यहाँ पे 13 पैनल लेके चलेंगे। ये 13 पैनल हमारी इस वॉल पे लगेगी। कुछ लोग समझते हैं 10 इंच 10 फुट का जो पैनल होता है तो 1 फुट का पैनल होता है, 1 फुट का पैनल नहीं होता 12, उसमें 10 पैनल की बजाय हमारे लगते 13 पैनल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पीवीसी वॉल पैनल कॉस्ट, जो पीवीसी वॉल पैनल कॉस्ट जो चल रही है मार्केट में वो 280 रुपये नॉर्मल पैनल की चल रही है, और जो हैवी पैनल जो मैं आपको दिखा रहा था हैवी पैनल की कॉस्ट आ गई है 360 रुपये पर पैनल पर पीस, ये कॉस्ट आती है। एंड इस पर लगती है एसेसरी, दोनों तरफ से हम इस पर एसेसरी लगाते हैं, जैसे कि एक एल एसेसरी होती है, एक यू एसेसरी होती है, कॉर्नर की एल एसेसरी आती है, और जो बेडिंग कवर करने के लिए पैनल को उसमें यू एसेसरी आती है, जिसकी कॉस्ट मार्केट में लगभग 80 रुपये से 100 रुपये, हम यहाँ पे 80 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। अब आ जाता है वन पैनल, यानी एक पैनल की एरिया जो कवर करता है, एक पैनल एरिया कवर करता है 8.33 उसकी होती है 10 इंच बाई 10 फुट। अगर इसको हम इसका स्क्वेयर फुट निकालते हैं तो एरिया कवर करेगा 8.33, यानी ये 8.33 स्क्वेयर फुट एरिया कवरिंग आपकी होगी, ठीक है। इस तरह जो एल एसेसरी अगर हम 10x10 की वॉल पे देखते हैं तो इसमें 1, 2, 3, 4, यानी 4 एसेसरी हमारी यू एसेसरी लगे। अगर इसके अंदर कोई कॉर्नर नहीं है, बिल्कुल प्लेन सीधी वॉल है, तो इसमें हमारी 4 एसेसरी यू एसेसरी लगेगी, ठीक है जी। इसी तरह से हमने एक एसेसरी कॉस्ट है 80 रुपये, ठीक है। 4 एसेसरी हमारे लगते हैं तो 320 रुपये कॉस्ट होगी। अगर इसको हम स्क्वेयर फुट निकालते हैं इसका भी 320 रुपये का, तो 3 रुपये 20 पैसे हमारा ये स्क्वेयर फुट निकल जाता है, ठीक है। और पैनल का 280 रुपये पैनल 3 रुपये, ये हमारा 33.61 स्क्वेयर फुट एरिया निकलता है। इसी तरह लेबर, जो लेबर चल रही है मार्केट में, जो लड़के लेबर लेते हैं वो लेते हैं 60 रुपये पर पैनल,
₹60 पर पैनल लेते हैं। एक पैनल जो कॉस्ट हमारी होती है सॉरी एरिया कवर करता है 8.33। अगर इसकी हम कॉस्ट निकालते हैं तो ये कॉस्ट निकलते हैं हमारी ₹7.20 पर स्क्वेयर फुट। और ट्रांसपोर्ट इसमें हम लोग जो है हम लोग किसी भी दुकान से परचेज करेंगे तो वो पैनल ले आने के लिए हमारा रेडियो वाला 400-500 रुपये ले लेता है। और इसमें हम लगा के चलते हैं ₹5 पर स्क्वेयर फुट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ₹5 पर स्क्वेयर फुट आपका ट्रांसपोर्ट आ जाता है। और इसमें कुछ वेस्ट निकल जाते हैं, कुछ पैनल टूटा हुआ निकल जाता है, कुछ पैनल लड़के करते हुए काम करते हुए तो वो टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, तो उसमें हम 4 स्क्वेयर फुट पर लेंगे जी वेस्ट। ठीक है, अगर हम इसका सारे का पूरे का टोटल करते हैं 33.61 रुपये, 20 रुपये सॉरी 3.20 रुपये, 7.20 रुपये और 5.04 रुपये, तो टोटल हमारा जो आ जाता है करीबन 53 रुपीज हमारा आ जाता है। ठीक है, 53, ठीक है, लमसम हम इसको लेते हैं 54 रुपये, 53.1 आता है 54 रुपये। हमारा एरिया था 100 स्क्वेयर फुट, जैसे कि मैंने ऊपर आपको दिखाया था 100 स्क्वेयर फुट। 100 स्क्वेयर फुट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 54 से तो हमारी इसकी जो कॉस्ट आ जाती है एक वॉल की करीबन 5400 रुपये, 5400। ठीक है, कुछ लोग हम स्केयर फुट में काम करते हैं, स्केयर फुट हमें अगर स्केयर फुट में देखना चाहते हैं तो 54 रुपये स्केयर फुट हमारी वॉल का खर्चा आता है। इसी तरह कुछ लोग करते हैं सीट रेट पे काम, यानी पैनल्स के ऊपर। ठीक है, पैनल पे काम करेंगे, अगर आप मार्केट से पैनल भी खरीदते हैं, पैनल रेट पे काम करते हैं, उसमें भी लगभग आपकी जो खर्चा आएगा इतना ही आएगा। ये देखिए, ये भी मैंने आपको थोड़ा बताया गया, 10x10 की वॉल पे हमारे जो पैनल को लिया हमने 13 पैनल हमारे लगेंगे, 13 पैनल 280 के हिसाब से हमारे बन जाते हैं 3640 रुपये के। 3640 रुपये कॉस्ट आपकी बनती है अकेले पैनल्स की। ठीक है, उसमें एसेसरी जो लगती है 4 एसेसरी जैसी कि मैंने उसमें लगाई थी, यानी 80 रुपये की एक एसेसरी, 4 एसेसरी 320 रुपये की एसेसरी बन जाती है। और लेबर वही जैसे 60 रुपये पर पैनल, 13 पैनल की कॉस्ट बनती है 780 रुपये। और ट्रांसपोर्ट 400 रुपये लगे इसमें, और 300 रुपये हमें हमारे वेस्ट डाल दिए, अगर हमारे 2 या 1 पैनल ख़राब भी हो जाता है तो 300 रुपये लमसम डाला है, तो ये लगभग हमारा बन जाता है 5440 रुपये। ठीक है, ये देखो अगर दोनों तरफ से हम कॉस्ट निकालते हैं स्क्वेयर फुट में या सीट रेट पे, पैनल रेट्स पे भी निकालो या स्क्वेयर फुट में निकालो, तो लगभग कॉस्ट हमारी 5400। मार्केट में जो रेट चल रहा है अपना 55 से लेकर 60 रुपये पर स्क्वेयर फुट लोग काम कर रहे हैं, जो मार्केट में कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं। हाँ, इसी तरह ये हमने निकाला है फर्स्ट पैनल 280 रुपये पैनल की कॉस्ट का, जो 280 रुपये पैनल हमने मैंने कॉस्ट बताई इसका रेट निकाला है। अगर हम देखते हैं हैवी पैनल, जो हैवी पैनल मैं आपको दिखाया था वो 360 रुपये का मिलता है, इसमें लेबर लेबर एसेसरीज जो होता है ये लगभग सेम होता है। अब इसी तरह से हम इसमें हम चेंजिंग देखो 280 की जगह हम लेते हैं 360 रुपये, 360.33। अगर इसका हम निकालते हैं स्क्वेयर फुट, ये स्क्वेयर फुट हमारा निकलेगा 360/1.33, ये लगभग हमारा आ जाता ही 43.21 रुपीज़। वही है इसमें 33.61 रुपये, तो 43 रुपये यानी हमारा 10 रुपया बढ़ जाता है। अगर इसकी कॉस्ट लेके चलते हैं हम, हमारी आ जाएगी करीबन 64 रुपीज़, यानी 64 रुपये स्क्वेयर फुट हमारा ये हैवी पैनल्स का हो जाता है, यानी 64/100, यानी हैवी पैनल का अगर आप लगाते हैं तो आपका करीबन 6400 रुपये खर्चा आ जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी अगर हमारे 13 पैनल हैं तो यहाँ पे हम 360 लिखते हैं। ठीक है, 360 के हिसाब से हमारे यहाँ पे बन जाते हैं 13×360, ये हमारा बन जाता है करीबन 4680 रुपये। इसको भी हम कॉस्ट करते हैं, ठीक है, 1000 रुपये हमारा बढ़ जाता है करीबन, ये हमारा 6480 रुपये या बन जाएगा, यानी 5420 रुपये लगभग, इतना कह रही हमारा आएगा
6500, यानी इसका भी खर्चा हमारा लगभग 6500 रुपये खर्चा आता है अगर हम ये हैवी वाली सीट लेते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता लग गया होगा किस तरह से आपको मार्केट में काम चल रहा है और किस तरह से हमें काम करना चाहिए। हम सीट रेट पे भी काम कराएं या फिर स्क्वेयर फुट में काम करें, हमारी जो कॉस्ट निकलती है लगभग सेम निकलती है, ठीक है। इसी तरह होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है।